नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों अव्यय प्रकरण। तो सबसे पहले जानते हैं बच्चों अव्यय शब्द क्या होता है। अ यानी नहीं, व्यय यानी खर्च ना हो, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी लिंग, विभक्ति, कारक, काल, वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं हो, या मैं कहूँ दूसरे शब्दों में सदा एक जैसे रहने वाले शब्द। जैसे चय, चय का मतलब और होता है, तो वो चय का मीनिंग हर स्थिति में और ही रहता है। इनके कभी शब्द रूप या धातु रूप नहीं चलते हैं। तो हमारे कुछ अव्यय शब्दों को आज हम देखने जा रहे हैं बच्चों, जिनके वर्ड मीनिंग आप याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे। ये हमें बच्चों वाक्य निर्माण या हमें कोई पैराग्राफ दिए हों वहां पर हमको इन अव्ययों को फिल करने के लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखते कुछ अव्यय, जैसे अत्र यानी यहाँ, तत्र माने वहां, यत्र माने जहां। तो आप इन अव्ययों को देखेंगे बच्चों, ये पेयर में भी पूछे जाते हैं। जैसे अत्र तत्र पूछ ले, अत्र यत्र पूछ ले, या यत्र तत्र, यानी यहाँ वहां, जहां वहां, इस तरह से। कुत्र कहाँ, सर्वत्र सभी जगह, अधुना अब, सांप्रतम संप्रति इदानीं, तीनों का मीनिंग है इस समय, तदानीं उस समय, सहसा अचानक, इतस्ततः, ये इतः और ततः दोनों को मिलाकर सत्व संधि से इतस्ततः, इधर उधर। इति यानी ऐसा, माँ यानी नहीं, यहाँ चंद्र बिंदु होता तो माँ होती मम्मी, लेकिन माँ यह संस्कृत में नहीं वाला है। उसके बाद बच्चों हम इस ततव्य को इधर देख ही चुके हैं, जैसे यहाँ देख लें, कुतः कहाँ से, जब विसर्ग लग जाए इस पे तो ये कुतः कहाँ से, इतः यहाँ से, ततः वहां से। ये कुछ अव्यय बच्चों हमने जगह वाले देखे हैं। उसके बाद हम अन्य अव्ययों में देखते हैं, एव जैसा, किसी के समान, नूनम निश्चय ही, विना बिना, जैसे जल के बिना, वृथा बेकार, बही बाहर, यावत जब तक, तावत तब तक, उच्चई जोर से, निच्चई धीरे से। ये बच्चों आवाज के लिए है, जोर से बोलना, जैसे शेर जोर से दहाड़ा। पूरा पहले या प्राचीन काल के लिए, प्राचीन काल में, शनै धीरे गति के लिए है, तीव्रम तेज, वह धीरे चला, वह तेज चला, कछुआ धीरे चलता है, शनै शनै, और घोड़ा तेज चलता है, तीव्रम। ये हमने कुत्ते यहाँ पे देख ही लिया था। इसके अलावा बच्चों कुछ अव्यय हमारे और हैं, तो वो है हमारे समय वाले अव्ययों को हम देखें, या कुछ अन्य अव्ययों में हम उन्हें देखते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा आज, कल, परसों, इन अव्ययों को और हम देख लें। अद्य, अद्य यानी आज। श्वः, आधा शहर वह कल, कौन सा है बच्चों ये, जो आने वाला कल है यानी टुमारो। इस पे हम अगर पर लगा दें और बना दें, परश्वः यानी परसों, आने वाले कल की जैसे उसके अगला दिन, परसों। आधा है और ये कल, अब की बार कल कौन सा है, बीता हुआ कल यानी यस्टरडे, और पर है लगा दिया तो बन गया परसों, कौन सा परसों, बीता हुआ परसों। तो और अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, अधूना, अधूना यानी आज। तो बच्चों ये हमारे कुछ समय वाले अव्यय हैं। उसके बाद में हम देखते हैं अब कुछ इनके अलावा ऐसे ही समय से मिलते जुलते अव्ययों में, जैसे कहें यदा, यदा यानी जब, तदा, तदा यानी तब, कदा, कदा यानी कब, सदा, सदा यानी हमेशा। इस प्रकार किमर्थम, किमर्थम यानी किस लिए, तुम किस लिए आए हो, इस तरह से हम जब प्रश्न पूछते हैं तो ये शब्द हमारे होते हैं। उसके अलावा अन्य शब्दों में हमारे बच्चों ये प्रश्न पेयर में पूछने जाते हैं, यदा, तदा, कदा, अत्र, तत्र, यत्र, इस प्रकार से। तो बच्चों हमने हमारे जो सिलेबस में जो अव्यय लगे हुए थे वो हमने देख लिए हैं। ये पेयर में पूछे जा सकते हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं, मंजूषा दी होती है, पैराग्राफ बनाए होते हैं, हमें इनको पढ़ करके सही अर्थ के अनुसार इन्हें भरना होता है। तो आज हमारा अव्यय प्रकरण कंप्लीट होता है, आप इन्हें अर्थ सहित लिखेंगे और याद करेंगे। इसके बाद अगला नया टॉपिक अगली कक्षा में। धन्यवाद।